नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं डैम्पनेस के बारे में कि अगर वाल में वाटर का रिसाव होता है तो वो इस तरीके से कुछ जैसा कि आप देख पा रहे हैं नमी की वजह से ये सीलन की वजह से छूटने लगता है, स्कवरिंग होने लगता है। तो यही होता है डैम्पनेस। अगर किसी भी तरीके से आपके वाल में पानी का रिसाव हुआ तो इस तरीके से ये छूटने लगेगा। तो इसका रीज़न क्या है, परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, इसका रीज़न जो है ये है नमी। नमी जब किसी तरीके से वाल में आने लगता है तो ये जो है स्कावरिंग इसकी होने लगती है, पपड़ी बन करके, और ये छूटने लगता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये पूरा वाल जो है पपड़ी बन करके छूट गया है। तो इसमें जब वाटर का रिसाव आता है किसी तरीके से तो ये पपड़ी बन करके छूटता है। तो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट हम आपको बताते हैं। इसके परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए आपको आपको क्या करना है कि इसको जो है जो ब्रश आता है स्टील ब्रश, उससे पूरी तरीके से इसको साफ करके और प्रेशर वाले पाइप से पानी मार करके इसको पूरे को साफ कर देना है और छोड़ देना है 4 से 5 घंटे तक सूखने के लिए। सूखने के बाद में फिर इस पे डॉक्टर फिक्सिट का श्योर सील आता है। डॉक्टर फिक्सिट का श्योर सील जो है 200 रुपये पर केजी में आता है, उसको आप मार्केट से ला सकते हैं। और लाने के बाद में उसमें पर केजी जो है 4 से 5 मीटर स्क्वायर एरिया में लगाना है। उसको 2 कोट में आपको लगाना है। 1 कोट आप उस पर मार दें इस पर पूरे पे। 1 कोट मारने के बाद में इस पूरे पे और 4 से 5 घंटे तक छोड़ दें सूखने के लिए। उसके बाद फिर दूसरा कोट 4 से 5 घंटे बाद इस पर मारें। उसके बाद फिर छोड़ दें सूखने के लिए। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो है परमानेंटली जो है इस पे से सीलन आएगा नहीं। और उसके बाद में फिर आपको इस पर पुट्टी मार देना है। तो उसके बाद में आपका 100% ये प्योर जो है कभी भी वाटर का रिसाव इधर से नहीं होगा। तो इस तरीके से आप डैम्पनेस को दूर कर सकते हैं, अपने वाल पे आने वाले स्कवरिंग को हटा सकते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दा लगता है। तो इसी तरीके से जो है वीडियो पाने के लिए, नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर और देखते रहें चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगली जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।